लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वो राजा इतना मूर्ख था, इतना मूर्ख कि उसकी प्रजा ये भय खाती थी कहीं वो राजा अपनी मूर्खता में कोई ऐसा ना आदेश पारित कर दे जिससे सबको बहुत कष्ट हो। और एक रोज उसने एक ऋषि को तप करते हुए देखा। अद्भुत अद्भुत, किंतु ये हवा में तैर कैसे रहे? क्योंकि ये एक योगी महाराज हैं, सिद्ध पुरुष। वो क्या होता है महाराज? ये बहुत ज्ञानी पुरुष होते हैं, इनके पास सारे संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा, तो मैं भी ये ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ? हाँ, किंतु इसके लिए आपको बहुत सारे ग्रंथ और बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी होंगी। बस पढ़ना ही तो है। ये कार्य तो मेरे लिए और भी सरल है। और सुनो, तुम दोनों मेरे लिए किताबें और धर्म ग्रंथ उपलब्ध करवाओ, समझे? जाओ। जी महाराज, जी महाराज। इतने सारे ग्रंथ? हाँ महाराज, विद्वान बनने के लिए आपको इनका अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। तो फिर तुम लोग मुझसे वेतन किस बात की लेते हो जो मुझसे इतना परिश्रम करवा रहे हो? किंतु महाराज, आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतने बड़े ज्ञानी बनेंगे। जानता हूँ जानता हूँ, किंतु आप दोनों तो बहुत बड़े विद्वान हैं ना? तो ऐसा करिए, इन सभी ग्रंथों के ज्ञान को एक ग्रंथ में डाल के ले आइए, फिर मैं पढ़ लूंगा। और हाँ, ये कार्य अति शीघ्र हो जाना चाहिए। जाइए। जी महाराज। उन दोनों विद्वानों ने दिन रात कठोर परिश्रम किया और सभी ग्रंथों का सार निकाल एक ग्रंथ बनाया, उसे राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। इतना भारी ग्रंथ, इसे पढ़ते पढ़ते स्वयं मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। जाओ इसे और कम करो। जी महाराज। राजा के आदेश को मानते हुए उन दोनों विद्वानों ने उस ग्रंथ को थोड़ा छोटा कर दिया। ये अब भी बहुत भारी है, अगर इसे पढ़ता रहा तो राज का कार्य कब देखूंगा। इसे और भी हल्का करो। जाओ। जी महाराज। जी महाराज। राजा का आदेश था कि इस ग्रंथ को और थोड़ा छोटा किया जाए, और इस बार तो वजन भी बहुत कम था। तो गुरुदेव, राजा धर्मपाल फिर तो मान गए होंगे। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? इसे कब तक ढोता रहूंगा? इतना समय नहीं मेरे पास। एक काम करो, इस ग्रंथ के समस्त ज्ञान को केवल एक पृष्ठ में लिख के ले आओ। एक पृष्ठ पे? हाँ, ताकि मैं इसे पढ़ के शीघ्र ज्ञानी बन सकूं। और स्मरण रहे, यदि तुम दोनों इस कार्य को नहीं कर पाए, तुम दोनों को कल सूली पे टंगवा दिया जाएगा। सूली? चिंता मत करिए महाराज, कार्य हो जाएगा। फिर क्या वो दोनों विद्वान समस्त ज्ञान को एक पृष्ठ में लाने में सफल हुए थे गुरुदेव? हाँ, इस बार उन दोनों विद्वानों ने सारे ज्ञान को एक पृष्ठ पर लिख लिया और राजा के समक्ष लेकर गए। महाराज, हमने कठोर परिश्रम करके ग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान इस पृष्ठ में संचालित किया है। उत्तम, अति उत्तम। और उसी के साथ हमने आपके लिए ये दिव्य काढ़ा तैयार किया है जो व्यक्ति के स्मरण शक्ति को कई कोटि गुना बढ़ा देता है। उत्तम, अति उत्तम। तो फिर विलंब कैसा? लाइए, हमें यह दिव्य काढ़ा दीजिए। इसे ग्रहण करें महाराज।
लीजिए महाराज, और इसे शांति से और आराम से पढ़िए। लाइए। और पढ़ के हमें भी सुनाइए महाराज। अवश्य अवश्य। मूर्ख राजा, ज्ञान और साधना तुम्हारे वश की बात नहीं, तुम धरती लोक में नहीं नरक लोक में रहने योग्य हो। तुम दोनों का ये दुस्साहस, भागो भागो। अब हम इस राज्य से मुक्त हुए, चलो मित्र चलो। वो राजा किसी का भला करने के योग्य नहीं था, अपने समाज अपने समुदाय के लिए वो एक संकट था, इसीलिए उन विद्वानों ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। तो इस कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि अल्प ज्ञान बहुत ही घातक होता है, इसलिए हमें अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करना चाहिए। अब चलो, भोजन करना चाहिए हमें। जी गुरुदेव। चलो। शंख गदा कमल। अर्थात मेरा अनुमान सटीक था, ये परशुराम विष्णु का ही अवतार है और अब वो महादेव से ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहता है। अगर उसने महादेव से ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली तो वो अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा, जो हम असुरों के लिए उचित नहीं होगा। मुझे किसी भी प्रकार से परशुराम की तपस्या को भंग करना ही होगा। चलो बालको, मैं विदा लेता हूं, तुम सब अपना ध्यान रखना। जी गुरुदेव। मित्रों, अब आश्रम में केवल हम पांच ही बचे हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, कहीं हम पिछली बार की भांति कोई भूल ना कर बैठे। स्मरण है ना कैसे वो असुर भिक्षुक का भेष लेकर हमारे आश्रम में आ गया था? स्मरण है, किंतु भूल तो मणिरथ ने की थी ना, हमने ही बचाया था उसको। हाँ। मणिरथ, मित्रों लगता है फिर से कोई नया संकट आने वाला है। मणिरथ मणिरथ मणिरथ, कहाँ हो तुम? वाह। अरे मित्रों, वो देखो आज आकाश कितना लाल है। हाँ? किंतु अकस्मात आकाश इतना लाल कैसे हो गया? अवश्य कोई बात होगी, किंतु मित्रों हमें आश्रम से बाहर नहीं जाना है। यदि हम आश्रम से बाहर गए और हम पर कोई संकट आ गया तो गुरुदेव भी हमारी सहायता के लिए यहाँ पर नहीं है, और गुरुदेव का आदेश है कि हमें आश्रम में ही रहना चाहिए। कभी देखा ये लाल आकाश? किंतु ये लाल आकाश होने का कारण क्या हो सकता है मित्रों? आश्रम से दूरी स्थान उचित रहेगा मेरे तप के लिए। जय शिव शंभु।
है परशुराम, जिसका वध करने का कार्य मुझे असुर गुरु शुक्राचार्य ने सौंपा है। ये मेरे विष से बच नहीं पाएगा। किंतु बहुत दिन हो गए किसी के साथ क्रीड़ा किए हुए, क्यों ना इसके साथ थोड़ी क्रीड़ा हो जाए। अब आनंद आएगा जब परशुराम ये देखेगा। कालियाना का घातक विष। सही पहचाना तूने। कालों का काल हूं मैं, कालियानाग विकराल। हास परिहास में तुमने मेरी तपस्या भंग की है कालियानाग। यदि मुझे यहाँ तप नहीं करना होता तो अब तक तुम्हारे रक्त से ये स्थान रंजित हो जाता। अच्छा तो देख। विकराल हूं मैं, कालों का काल हूं मैं। और परशुराम तू मेरी गर्दन तो क्या, मेरी पूछ भी नहीं छू सकता। परशुराम आज तू और तेरा तप दोनों ही सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। क्षमा प्रभु, क्षमा क्षमा प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। तुम्हारी इस धृष्टता के लिए एक ही दंड है कालियानाग, कि मैं तुम्हें विषहीन कर दूं।
ताकि तुम्हारा ये अहंकार चूर चूर हो जाए। क्षमा प्रभु, क्षमा, मुझे क्षमा कर दे। कृपया मुझे विषहीन ना करे प्रभु, इस जन्म से मुझे मुक्त कर दे प्रभु। मैं आपके अगले अवतार में मैं स्वयं आकर आपका यह दंड स्वीकार कर लूंगा प्रभु। तब तक के लिए मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। तो ठीक है, जाओ यहाँ से, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। जाओ और जाकर कहीं छिप जाओ, जहाँ किसी की भी दृष्टि तुम पर ना पड़े। जाओ। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। स्वयं के कुल से अधिक असुर जाति की चिंता है। यह परशुराम स्वयं विष्णु का आवेश अवतार है और विष्णु ने सदा ही हमसे छल ही किया है, किंतु अब क्या करूं? ये कालियानाग भी परशुराम से पराजित होकर वापस लौट गया। यह अकस्मात उस पर्वत पर विस्फोट कैसा? भीषण विस्फोट कहां हुआ है? अपनी शक्ति से देखना होगा। ये ज्वालामुखी प्राकृतिक विस्फोट का परिणाम नहीं हो सकती, मुझे देखना होगा। अर्थात ये ज्वालामुखी शिव के ओजस से निर्मित है और शिव का ओजस तो स्वयं शिव के जैसा ही प्रलयंकारी होता है। अब ये शिव का ओजस ही परशुराम का सामना करेगी। उस ज्वालामुखी के ठंडे होते ही मैं उसके तत्व को वहां से ले जाऊंगा। महादेव का ओजस है, महादेव द्वारा दिया हुआ यह देवशिल्पी कमंडल इसका एक उपाय है। इस ज्वालामुखी का वहां पर रहना किसी बाह्य संकट का कारण बन सकता है, कोई भी असुरी शक्ति उसका प्रयोग कर सकती है। इसे वहां से तत्काल हटाना ही होगा। Thank you.
कदाचित महादेव की इस ओजस को अधिक समय तक रोक कर रखा तो परले आ जाएगा। इसे किसी दूसरे कार्य में लगाना ही होगा, किंतु उसका आकार और विकार क्या होगा? हे प्रभु, ये आप ही नियत करें। मैं आपकी सोच को अपने अस्त्र और शस्त्र में डालने जा रहा हूं। हर हर महादेव। सभी देवी देवताओं के पास भांति भांति के अस्त्र शस्त्र हैं, किंतु ये परशु किसके लिए है? अब तो ये महादेव ही तय करेंगे कि यह दिव्य अस्त्र किसके लिए है। कदाचित ये महादेव का वही ओजस है। प्रतीत होता है कि देव शिल्पी विश्वकर्मा ने इसे एक परशु का आकार दे दिया है, परंतु ये हम असुरों के लिए और भी अच्छा है। अब ये परशु हमारे पास होगा। शिल्पी, आपका कार्य केवल अस्त्र शस्त्र का निर्माण होना चाहिए, यह बल का कार्य या हम पर छोड़ दीजिए। अग्निदेव, यह कार्य इतना सरल नहीं है। महादेव की ओर से तैयार किया यह फरसा अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र है, आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। हमें स्थान दीजिए अग्निदेव, हमारा हाथ लगते ही ये परशु भी अपना स्थान अवश्य छोड़ देगा। देवतागण, तुम्हारी असफलता इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा स्वर्णिम काल जा चुका है। असुरों का स्वर्णिम समय आने वाला है। हट जाओ, तुम लोगों से यह नहीं हो पाएगा। जाओ। Thank you.
लगाओ। और बल लगाओ। हट जाओ वहां से। बल लगाओ असुर, और बल लगाओ। क्यों, क्या हुआ? और बल लगाओ, और बल लगाओ असुरों। मुझे यह परशु किसी भी मूल्य पर चाहिए, किसी भी मूल्य पर। बल लगाओ, और बल लगाओ देवताओं। हमारे रहते ये दिव्य परशु असुरों को प्राप्त नहीं हो सकता। अधिक बल लगाइए अग्निदेव। हे महादेव, आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। हमें तो ये भी पता नहीं है कि ये परशु किसे प्राप्त होने वाला है। प्रभु, मैं तुम्हारे कठोर तप साधना से अति प्रसन्न हूं वत्स। कहो, क्या वर चाहिए तुम्हें? आप तो स्वयं कालों के काल महाकाल अंतर्यामी हैं, तथापि आप मुझसे पूछ रहे हैं? जिस ब्रह्म विद्या की लालसा है तुम्हें, वो पाना बहुत ही कठिन है वत्स। मुझे ज्ञात है प्रभु, परंतु जब आप मेरे गुरु होंगे तो मैं समस्त कठिनाइयों को सहजता से पार कर लूंगा। तुम्हारा दृढ़ विश्वास और भक्ति ही तुम्हारी सफलता है वत्स। तथास्तु। धन्यवाद। परशु अभी तक यहीं पर धसा है। इसका तात्पर्य है कि देवता भी इसे अभी तक नहीं निकाल पाए। किंतु इसे तो हम भी नहीं निकाल पाए गुरुदेव। कहीं ये देवताओं का षड्यंत्र तो नहीं? गुरुदेव, हमें सतर्क रहना चाहिए। ये देवता अवश्य ही किसी योजना के निर्माण में लगे होंगे, अन्यथा इस परशु का यहाँ पर क्या काम? तुम लोग चिंता मत करो, मेरी दृष्टि सदैव उन्ही देवताओं पर टिकी रहती है। ये शनि ग्रह में उथल पुथल कैसी प्रतीत होता है? कि शनि देव घोर चिंता में डूबे हैं या फिर भयंकर क्रोध में। यही दो कारण हो सकते हैं इस खगोलीय घटना के। Thank you.
समस्त ग्रहों ने अपनी चाल आरंभ कर दी है और मैं रुका हूं। यदि मैंने भी अपनी चाल आरंभ कर दी तो अनर्थ हो जाएगा। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा की घड़ी है। एक दिन शनि स्वयं इस दुविधा में उलझ जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। किंतु मैं कर्म फलदाता हूं, दंडाधिकारी हूं और मेरा कर्तव्य ही मेरी पहचान है। मुझे अपने धर्म पथ पर अडिग रहना ही होगा। स्वामी, आप अकस्मात ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मेरा भक्त दुविधा में है देवी, कि वो क्या करे। उस भक्त की व्यथा क्या है स्वामी? उस भक्त की व्यथा उसकी परिधि है। वो जिस परिधि में रहता है वो दोष दंड अच्छे बुरे फल का सूचक है। भले ही उसके समक्ष कोई नहीं जाता, किंतु निश्चित समय के पश्चात वो सबके समक्ष पहुंच ही जाता है। तो इसमें दुविधा क्या है स्वामी? दुविधा ये है देवी, कि जिस गुरु ने उसे ये परिधि दी है, अब वही इसी परिधि में आ गया है। इसी बात को लेकर वो चिंतित है। तो स्वामी, आपके भक्त को इस विषय में सोचना चाहिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। कल्याण हो पुत्र। देखो, तुम्हारी कठोर साधना का फल तुम्हारे समक्ष बैठे हैं। जितना ज्ञान प्राप्त करना है कर लो पुत्र। कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है मेरे लिए? वत्स, एक घने और सघन वृक्ष में जाकर एक खो बनाओ। जो आज्ञा प्रभु। कल्याण हो। सघन घने वृक्ष में खो किस लिए स्वामी? इस संसार को गतिमान रखने के लिए देवी। पता नहीं महादेव इस वृक्ष के खो के साथ क्या करेंगे, परंतु शीघ्र ही मुझे ये कार्य संपन्न करके महादेव के समक्ष पहुंचना होगा, ताकि मैं अपनी शिक्षा आरंभ कर सकूं। ये अधिकार, ये दायित्व, ये पद भी तो मुझे स्वयं महादेव ने दिए हैं। मुझे अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। मुझे महादेव पर अपनी शनि दृष्टि डालनी ही होगी। स्वामी, स्वामी अकस्मात कहाँ चले गए? प्रणाम माता। प्रभु दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे भी ज्ञात नहीं है परशुराम, अकस्मात स्वामी कहीं चले गए हैं। आप चिंतित ना हो, मैं देखता हूं। कदाचित महादेव कहाँ जा सकते हैं? कहीं वहीं तो नहीं जहां उन्होंने मेरी मूर्ति बनाई थी? प्रतीत हो रहा है स्वामी मेरे साथ कोई क्रीड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं स्वयं जाकर देखती हूँ। महादेव, कहाँ हैं आप? प्रभु के ध्यान स्थल पर ना तो महादेव है ना ही देवी पार्वती,
ऐसा कैसे संभव है? प्रभु, महादेव, कहाँ हैं आप? मैं शनिदेव आपका दृष्टिपात करने आया हूँ, कृपया मेरे समक्ष आइए। कदाचित देवी पार्वती को मेरे विषय में ज्ञात हो गया हो और वही महादेव को लेकर कहीं चली गई हो, किंतु मुझे अपना धर्म और दायित्व निभाने के लिए महादेव पर दृष्टिपात करनी ही होगी। स्वामी, स्वामी, स्वामी यहां भी नहीं है तो कहां जा सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं उन्हें ढूंढने का प्रयास करती हूं। मैं उन्हें देख क्यों नहीं पा रही हूं? कदाचित ये उन्हीं की इच्छा होगी, परंतु स्वामी क्यों नहीं चाहते कि मैं उन्हें ढूंढ पाऊं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब तक मैंने तीनों लोकों और 14 भुवनों में भी जाकर देख लिया, किंतु महादेव मुझे कहीं नहीं मिले। जब तक महादेव स्वयं न चाहें, उन्हें कोई देख भी नहीं सकता। ये तो देवी पार्वती हैं। प्रणाम आदिशक्ति। देवी, आप इतनी चिंतित और व्याकुल क्यों लग रही हैं? मैं महादेव को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि वो कहीं मिल नहीं रहे। मेरी योगिनी शक्ति भी उन्हें नहीं ढूंढ पा रही। इसका अर्थ है देवी पार्वती को मेरे विषय में अभी ज्ञात नहीं हुआ है, और महादेव जहां भी हैं, एकाकी ही हैं। किंतु आप कहां जा रहे हैं? यदि मैंने देवी आदिशक्ति से कुछ छिपाया और उन्हें बाद में ज्ञात हुआ तो वो मुझ पर क्रोधित भी हो सकती हैं, इसलिए मुझे इन्हें सब कुछ बताना ही होगा। शनिदेव, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? देवी, मैं बहुत दुविधा में था, क्योंकि आज इतने कालों बाद अकस्मात मेरा गृह योग महादेव पर बन गया है, और अब उन्हें मेरी शनि दृष्टि का सामना करना होगा। बस इसीलिए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। उस भक्त की व्यथा क्या है स्वामी? उस भक्त की व्यथा उसकी परिधि है। वो जिस परिधि में रहता है वो दोष, दंड, अच्छे बुरे फल का सूचक है। मैंने महादेव को तीनों लोक 14 भुवनों में भी जाकर ढूंढ लिया, किंतु वो मुझे कहीं नहीं मिले। देवी, क्या आपको पता है महादेव कहाँ है? वत्स, एक घने और सघन वृक्ष में जाकर एक खो बनाओ। बताइए देवी। स्वयं महादेव की इच्छा के बिना उनके निकट कोई नहीं आ सकता, ये तो आप भली भांति जानते हैं। माता, प्रभु कैलाश लौटे क्या? प्रभु महादेव इस समय कैलाश नहीं लौट सकते परशुराम। परंतु क्यों? क्योंकि उन पर शनि ग्रह की छाया पड़ने वाली है, शनिदेव उन्हें ढूंढ रहे हैं। प्रभु हैं कहाँ? कदाचित संसार को गतिमान रखने के लिए वो उसी खो में है जिसका निर्माण उन्होंने तुमसे करवाया था वत्स। अब जब तक शनिदेव अपने लोक लौट नहीं जाते, स्वामी भी कैलाश नहीं लौट सकते परशुराम। कल सूर्यास्त के पूर्व यदि तुम मेरे सम्मुख नहीं बैठे तो वो योग चला जाएगा,
और तुम ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मुझे ज्ञात है परशुराम, तुम क्या सोच रहे हो। ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के लिए जिस प्रकार तुम व्याकुल हो ना, उससे कहीं अधिक व्याकुल मैं हूं, क्योंकि मुझे चिंता है कहीं महादेव पर पड़ी शनि देव की वक्र दृष्टि की छाया मेरे परिवार पर ना पड़े। आप चिंतित ना हो माता, अब शनिदेव को मेरे गुरुदेव तक पहुंचने के लिए मुझसे होकर गुजरना होगा, और ये मैं आपको वचन देता हूं, तुम्हारा कल्याण हो परशुराम।